अब एक बात का ख्याल रखना कि जिस चैप्टर की हम आज बात कर रहे हैं वो एक डिफिकल्ट चैप्टर है। इनफैक्ट अगर ये कहूं कि ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है तो गलत नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी और जो आप कभी पढ़ नहीं सके। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर ऑफकोर्स हम बायोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम बायोलॉजी की केमिस्ट्री की बात करेंगे, इट इज बायोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के में ध्यान से पढ़ते चले जाइएगा, जो प्रॉब्लम हो पूछते चले जाइएगा, और इसके बाद इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको घर जाकर एनसीईआरटी किताब एक बार पढ़नी है, बैक क्वेश्चन इसे करने हैं। ऑफकोर्स एनसीईआरटी के अलावा आप कोई किताब इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है, वो बायोलॉजी बुक से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजी में उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट है। इफेक्ट याद करना आसान है, मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर कोई टीचर खुन्नक में आ गया ना, देखिए खुन्नस, अगर वो खुन्नस में आ गया ना, तो इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन उसने बना दिया, हवा निकल जाएगी हर किसी की, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि इस चैप्टर को याद रखना बहुत मुश्किल है। ओके, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। क्वेश्चन फिर इसमें से एक आना है, तो अवॉइड आपको करना, आप कीजिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन अवॉइड हो जाएंगे। हमारी दिक्कत ये होती है कि जो इजी चैप्टर्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर जाते हैं, अभी छोड़ यार ये याद नहीं करना, और जो डिफिकल्ट चैप्टर उसके अंदर लगे रहते हैं, टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि जितना याद रख सकते हो उतना ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मोर लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर जब हम समझते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सर्टेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और लिविंग बॉडी। हमारे पास गिने चुने कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहला, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर विद समथिंग लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बाद वी आर गोइंग टू गो अलॉन्ग विद समथिंग कॉल्ड प्रोटीन्स। Then we are going to talk about nucleic acids, and then we are going to have a little discussion about something called lipids. So these are the four species that we are going to discuss about, and now we initiate our discussion with something called carbohydrates. Carbohydrates ek purana naam hai. People found that there were certain organic substances which when heated, they would give water vapor and leave behind carbon. जैसे कि बहुत बार आपने शायद देखा हो, अगर चीनी को हीट कर दिया जाए तो चीनी में से वाटर वेपर निकल जाता है और उसके पीछे वो काला सा ब्लैक मास बच जाता है, जिसे हम शुगर चारकोल बोल देते हैं। या चीनी की जब चाशनी बनाते हैं तो चाशनी के अंदर बिना कोई कलर डाले वो अपने आप धीरे धीरे वो ब्राउन होती चली जाती है। क्लियर? तो वो हमने देखा, जितनी गाढ़ी चाशनी होती चली जाएगी उतना उसमें ब्राउनिश कलर आता चला जाता है, जबकि चीनी का अपने आप में कोई कलर नहीं है, चीनी के सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं है। सो दोज सब्सटेंसेस दे अपीयर्ड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो दे वर टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। बट लेटर ऑन इट वॉज ऑब्जर्व कि देखो जितने भी हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जो भी हाइड्रेट्स होते हैं, उनकी एक टिपिकल प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उनको हीट करते हो तो दे लीव ऑफ वाटर, और फिर उसमें पानी डाल देते हो तो ये वापस हाइड्रेटेड हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हीट करते हो उसमें से वाटर निकल जाता है, और फिर जब उसमें पानी डालते हो तो वापस वो ब्लू हो जाता है, हाइड्रेटेड बन जाता है। लेकिन कार्बन के अंदर वाटर डालने पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनते। सो they were not just hydrates of carbon, they were more than that. बाद में जब उनको structure वगैरह पता चला, जैसे उन्होंने reactions वगैरह किए, तो उससे उनको ये realize हुआ कि carbohydrates का एक specific formula है। जितने भी carbohydrates हैं, they can be defined something like CnH2OM, ठीक है, where N is greater than or equal to m. That was general formula which was observed. Fine. अब इस फॉर्मूले के हमारे पास बड़े सारे कंपाउंड्स हैं,
और वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि अगर हम सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात करें जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, तो इट वुड बी समथिंग लाइक CH3COOH। दिस इज नथिंग बट C2H4O2, ठीक है ना? तो दिस वुड बी समथिंग लाइक C2H2O ट्वाइस, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फाइन, और भी कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, और वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, हैविंग अ जनरल फॉर्मूला, मोस्टली, कुछ और डिफरेंट भी हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2OM, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, फुल स्टॉप, एंड ऑल दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो अब हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बन जाती है, लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स containing only carbon, hydrogen and oxygen, only carbon, hydrogen and oxygen, having a general formula CnH2O whole m, where n is greater than equal to m, where n is greater than equal to m. Is it clear? So that is what we have as the definition of carbohydrates. Now be very clear, mostly carbohydrates ka formula ye hota hai, CnH2OM. लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है, कुछ, ठीक है, जैसे कि दे विल बी CnH2OM माइनस वन ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखो, दीज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली कॉल्ड शुगर्स, सारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोला जाता है, दे आर कॉल्ड शुगर्स, ठीक है, शुगर्स और सैकराइड्स। सैक्रीन वर्ड भी इसी से आया है, सैक्राइड, स्वीट शुगर, ठीक है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, दे आर कॉल्ड सैक्राइड, दे आर कॉल्ड शुगर्स, क्लियर? जितने कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला सेटिस्फाई करते हैं CnH2OM, मतलब कि जिनके अंदर ये n और m बराबर हैं, ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है मोनोसैकराइड्स। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स विच सैटिस्फाई द फॉर्मूला CnH2OM आर कॉल्ड मोनोसैकराइड्स, ठीक है। एन माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, मतलब कि n माइनस m प्लस वन, अगर वन आ जाता है तो उसको बोला जाता है मोनोसैकराइड, अगर ये आ जाता है टू तो इसको बोला जाता है डायसैकराइड, तीन आ जाएगा ट्राइसैकराइड, चार आ जाएगा टेट्रासैकराइड, दस आ जाएगा डेकासैकराइड, उससे ज्यादा आ जाएगा तो बेटा कितनी नंबर लगाते जाओगे, सीधा सीधा पॉलीसैकराइड, ठीक है,
वन वाला मोनोसैक्राइड कहलाता है, टू वाला डायसैक्राइड कहलाता है, तीन से दस ऑलिगोसैक्राइड कहलाते हैं. यानी कि वी हैव मोनो डाय ऑलिगो पॉली. ठीक है, मोनो मींस वन, डाय मींस टू, ऑलिगो मींस थ्री टू टेन, एंड पॉली मींस ग्रेटर दैन टेन. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सैक्राइड में, वैसे ये क्वेश्चन और केमिस्ट्री का नहीं है, लेकिन फालतू का क्वेश्चन अगर बनाने की बात आए तो सीधा सीधा वो पूछा जा सकता है. होने को इजी भी है, लेकिन अगर पता ना हो तो मुश्किल भी है. वो ये कि एक फॉर्मूला दे देंगे बड़ा सा, सौ सी हंड्रेड दे देंगे. सी हंड्रेड देने के बाद आपको ये पूछेंगे हाउ मेनी हाइड्रेट, ये हाउ मेनी सैक्राइड यूनिट्स आर देयर इन इट. तो उसका तरीका कुछ नहीं है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, उसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो. इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सी एन एन माइनस एम प्लस वन कर दो, जो नंबर आ जाए इस सैक्राइड में उतने ही यूनिट. Clear? So that is how we find out the saccharide unit in these compounds. Clear? Fine. Now, ये saccharides की बात हुई, monosaccharides, polysaccharides, disaccharides की. फिर एक formula हमारे पास आता है CN H2N O N minus 1. फाइन, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन एक कम है, मोनोसैक्राइड में एक ऑक्सीजन कम है. ऐसे सैक्राइड्स को डी ऑक्सी शुगर्स कहा जाता है. डी ऑक्सी शुगर, फाइन. यहां तक कुछ पूछते हैं, सीधा सीधा फैक्ट्स बताए हैं आपने मैंने. ठीक है, ये जो डेफिनेशंस हमने दी हैं, इन डेफिनेशंस के हिसाब से जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोला जा सकता है, दैट वुड बी CHO, CHOH, CH2OH. ठीक है, इसका IUPAC नेम ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, बट दिस इज टर्म्ड एज ग्लिसरालडिहाइड. अब देखो, इसी फॉर्मूले का एक कीटोन भी बन सकता है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन. डायहाइड्रोक्सी एसीटोन कांट बी क्लासिफाइड एज अ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दैट्स नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें एक काइरल कार्बन है. दिस इज द काइरल कार्बन. अब अगर हम इस काइरल कार्बन की बात करते हैं तो वेरी क्लियरली स्पीकिंग, हर कंपाउंड के अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसके एग्जैक्टली दो एनाइसोमर्स होते हैं, एक कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज. आइसोमर्स नहीं बोल रहा, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बोल रहा, डायस्टीरियोमर्स नहीं बोल रहा, एनाइसोमर्स बोल रहा हूं. तो एग्जैक्टली दो एनाइसोमर्स हैं. तो अगर हम एग्जैक्टली दो एनाइसोमर्स की बात करते हैं तो वी हैव द कंपाउंड, वन कंपाउंड इज CHO, CH2OH, OH,
एच, ठीक है, उसको आर एस कॉन्फिगरेशन दे दो, आर एस दे सकते हो ना, दो इसी मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो मिरर इमेज जब हम आर एस बोलते हैं तो आर एस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्फिगरेशन, गिव इट्स कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन का मतलब ही आर एस होता है, ओके। तो दिव्या इज इट आर और एस, तो लेफ्ट साइड वाली इट्स आर ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड राइट साइड वाला ऑफ कोर्स वुड बी द एस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके क्लियर। तो दिस वन इज आर, दिस वन इज एस। अच्छा एक बार ध्यान से समझो, ये जो R और S है इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लिंक नहीं है, मतलब कि कोई R कंपाउंड है या S कंपाउंड है, कॉन्फिगरेशन उसकी R है या S है, उससे आप ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस जार्गन कि मतलब क्या है उसका राइट रोटेट करना और लेफ्ट रोटेट करने का, तो ये हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। द पीपल हु वर्कड ऑन इट लाइक लुईस पाश्चर, फिशर एंड ऑल, व्हाइल दे वर वर्किंग ऑन इट दे कुड वर्क आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, उनको एक स्ट्रक्चर मिल गया, एक दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया। अब उन्होंने आर्बिट्रेरिली ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर राइट साइड पे OH है। देखो ये फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ है, फिशर प्रोजेक्शन को आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते, यहां पर दीज टू ग्रुप आर मूविंग टूवर्ड्स यू, दीज टू आर मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे जब इसको बनाया जाएगा तो फिशर प्रोजेक्शन कार्बोहाइड्रेट के बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। व्हेनेवर वी ट्राई टू मेक द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट द वे इज that you have to make the carbon chain vertical with the functional group on the top or near the top. Ab yahan pe aldehyde is a functional group, so aldehyde is going to be on the top. Carbon chain is made vertical and all the groups OH and H are on the left and the right side. Ye tarika hai carbohydrate banane ka, koi dusra tarika aap istemal nahi kar sakte, clear? To ab is tarike se jab aap bana rahe hain तो यू फाइंड दैट द OH ऑन द काइरल कार्बन इज कमिंग ऑन द राइट साइड। नाउ द पर्सन हु नेम्ड इट ही सिंपली सेड दैट OH इज ऑन द राइट साइड, राइट साइड इज डेक्स्ट्रो, सो ही सेड दैट दिस इज डी ग्लिसराल डी हाइड। This is D-glyceraldehyde. Clear? Obviously, this would become L-glyceraldehyde. ठीक है? अब ये capital D और capital L है. Capital D और capital L हमें ये बताता है कि glyceraldehyde के chiral carbon पर OH right side पे है या left side पे? Clear? इसका आर एस से कोई लिंक नहीं है, इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी से कोई लिंक नहीं है, यह बिल्कुल नहीं बताता कि यह लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लियर। उस समय यह कैपिटल डी और कैपिटल एल वाला नॉमनक्लेचर चला, फिर उन्होंने एक और नॉमनक्लेचर चलाया विच वॉज कॉल्ड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। स्मॉल डी स्मॉल एल They depict the rotation of the light. कि ये compound light को right side rotate करेगा या left side rotate करेगा, और इस small d और small l का इस capital D और capital L से कोई relation नहीं है। Later convention में ये जो small d है इसे बना दिया गया plus और इसे बना दिया गया minus. So L was considered levo rotatory, was considered minus rotation,
एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी वॉज कंसिडर्ड प्लस रोटेशन. तो ये इस तरीके से रोटेशन बना दिए. अब उस समय तक लीवो डेक्स्ट्रो पता करने का तरीका था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है. ठीक है, फॉर्मूला बना सकते थे, फॉर्मूले के बेसिस पे दो स्ट्रक्चर बन सकते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि ये कह सकें कि ये प्लस है या माइनस. अब 50% चांस ये था कि ये प्लस है, 50% चांस था ये था कि माइनस है. ठीक है, इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी चांस दैट दिस डीग्लिसराल्डिहाइड इज एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी. इट टर्न्स आउट टू बी, लेकिन ये मेंशन करना पड़ता है. इस डी को आप प्लस नहीं मान सकते, तो इसको अगर नाम लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाता है डी प्लस ग्लिसराल्डिहाइड. डी का मतलब है OH ऑन द राइट साइड, प्लस का मतलब है इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ग्लिसराल्डिहाइड इज द नेम. या आप इसका आईपीसी नेम लिखना चाहें. ठीक है, इज इट क्लियर? फाइन. अगर आप आर एस यूज कर रहे हैं तो ये डी लिखने की जरूरत नहीं है, आर एस अपने आप में क्लियर कर देता है. और आप अगर वो भी लिखना चाहे तो ठीक है, डी आर प्लस ग्लिसराल्डिहाइड. इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन? ठीक है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. फाइन. नाउ अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करोगे तो इसका फॉर्मूला आएगा C3H6O3. इट्स फॉर्मूला है C3H6O3, यानी कि CnH2ON. दैट मींस इट्स अ मोनोसैकेराइड. ग्लिसराल्डिहाइड इज अ मोनोसैकेराइड. क्लियर? अब इस मोनोसैकेराइड के अंदर हमारे पास तीन कार्बन है, थ्री कार्बन. ठीक है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की बड़ी सारी नेमिंग है. अब जैसे कि यहां पे हमने इसको ग्लिसराल्डिहाइड बोला, हमने डी बोला, प्लस दिया. ठीक है, अब इसके अंदर तीन कार्बन है. जिस मोनोसैकेराइड में तीन कार्बन है उसे कहा जाएगा ट्रायोज. ट्रायोज. ठीक है, अगर चार कार्बन होंगे तो वेरी ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड टेट्रोज. अब जैसे कि हमारे पास ये कार्बन हो सकता है ऐसे CHO, CH2OH, OH, OH, H, H. ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है एरिथ्रोज. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एरिथ्रोज. ठीक है, इट्स अ टेट्रोज. ठीक है, मजेदार बात ये भी डी है. डी से मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनो. ट्रायोज में क्लियर हो गया, इसमें हमारे पास एक ही कायरल कार्बन था. अब जैसे ही हमारे पास कायरल कार्बन बढ़ गए, इसके अंदर दो कायरल कार्बन हो गए. जहां दो कायरल कार्बन हो गए तो डी और एल देने के लिए, कैपिटल डी कैपिटल एल देने के लिए हम देखते हैं इस कार्बन को. दैट इज द कायरल कार्बन फार्देस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. वी लुक एट द पोजिशन ऑफ OH on the chiral carbon farthest from the functional group. If the position of OH is on the right, it is called capital D. If the position is on the left, it is called capital L. Okay? So you can call it D electrodes. Koi confusion is there? Okay? Ek aur compound hai. Tetros mein. This is called trios. इसे कहते हैं trios. अच्छा ये डी आई एल डी. दिस अगेन इज डी trios. ओके, अगेन दिस इज अ टेट्रोज. क्लियर? ठीक है. अच्छा इसमें ज्यादा सस्पेंस को ना खींचते हुए एक बात बता देता हूं. एक पिक्यूलियर फैक्ट है
बहुत पिक्यूलियर। वो पिक्यूलियर फैक्ट ये है कि अगर आप लैब में ग्लिसरॉलडिहाइड को बनाए तो ध्यान रखना डी ग्लिसरॉलडिहाइड और एल ग्लिसरॉलडिहाइड थर्मोडायनेमिकली एग्जैक्टली इक्वल, थर्मोडायनेमिकली इनकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, इनकी सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, इनकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। इनका फर्क सिर्फ इतना आता है कि अगर इनका प्योर कंपाउंड बनाया जाए डी और एल को तो एक राइट साइड रोटेट करता है उसको प्लेन पोलराइज लाइट को, एक लेफ्ट साइड रोटेट करता है। और हाँ, अगर इनका रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ करवाया गया जाए तो डिफरेंट होगा, तब उनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आता। तो इनके रिएक्टिविटी विद नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज एग्जैक्टली द सेम, सॉल्युबिलिटी इज द सेम, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज द सेम। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन करते हो जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन्वॉल्व नहीं है, इसको बनाते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट ऑलवेज अ रेसिमिक मिक्सचर। इज इट क्लियर? ठीक है, द सरप्राइजिंग एंड टिपिकल फनी थिंग इज, फनी आप जो भी आप बोल सकते हैं वो ये, पूरी नेचर में किसी भी प्लांट में, किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, पूरे यूनिवर्स, पूरे अर्थ में, यूनिवर्स की तो बात हम कर नहीं सकते, एल मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, है ही नहीं। कोई भी एल कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। लैब में आप एल बना, एल एल और डी को अलग अलग नहीं बना पाएंगे, लैब में आप हमेशा डी और एल दोनों बनाएंगे, बट नेचर में एल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? योर गेस इज एज गुड एज माइन, गो अहेड एंड गेस इट। नहीं, एग्जैक्ट इक्वल स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिकली एग्जैक्टली इक्वल है। और बेटा अगर स्टेबिलिटी में अंतर भी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। थर्मोडायनेमिक की काइनेटिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बोल दिए ना, थर्मोडायनेमिक की काइनेटिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। क्या वो तो इसलिए अब ये बोलना बेकार है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट में लिखने वाला हूं वो डी है या एल है, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट लिखूंगा सारे के सारे डी है, एग्जिस्ट ही वही करते हैं, एल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या वो क्या मैंने रीजन दिया है कोई? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द डीएनए। तो ये एरिथ्रोज एंड थ्रियोज है, फाइन, ये टेट्रोजेस है। इसी तरीके से हमारे पास पेंटोजेस है, हमारे पास हेक्सोजेस है। तो ओज इज फॉर एनी कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, सेल्यूलोज, ठीक है, थ्रियोज, क्लियर, राइबोज, तो दीज ऑल आर ओज। तो ये ओज इसकी एंडिंग है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। ओके, कोई समझ, कुछ क्लियर? तो ऑल आर डी, डी कैसे पता करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं डी और एल पता करने का तरीका बोल रहा हूं, बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट इन द फिशर प्रोजेक्शन इज मेड विथ द कार्बन चेन वर्टिकल एंड द फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप और नियर द टॉप। क्लियर? The OH and H are placed on the sides
द काइरल कार्बन फार्देस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. इफ इट हैज द OH ग्रुप ऑन द राइट साइड, द कार्बोहाइड्रेट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू डी ग्लिसरालडिहाइड फैमिली. ये माना जाता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो डी ग्लिसरालडिहाइड से शुरू होते हैं. तो क्योंकि डी ग्लिसरालडिहाइड से शुरू होते हैं तो डी ग्लिसरालडिहाइड का ये वाला पोजीशन तो सेम रहेगी, हाँ उसके आगे की पोजीशन चेंज हो जाती है. जैसे यहां पर ही देख लो, इस पोजीशन पे OH OH डिफरेंट है. फाइन, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी बिलोंगिंग टू डी ग्लिसरालडिहाइड फैमिली. And if the chiral carbon farthest from the functional group has the OH on the left side, they would be considered to be belonging to the L-glyceraldehyde family. In nature, L compounds do not exist. It is all D compounds which exist. Fine? ठीक है? अच्छा, अगर मैं इन दोनों का relation बोलूं, तो आई थिंक ये बोलने की जरूरत तो नहीं है कि दोनों एनेंशियोमर्स, ये दोनों आइसोमर्स हैं. दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स. फाइन, इनमें रिलेशन क्या है? विच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर दे? पोजिशनल. नाम दे, नेम देम. पोजिशनल आइसोमर्स में लोकैंड डिफरेंट आते हैं ना, याद है? तो नाम दो भैया, कौन सा लोकेंट डिफरेंट आया? ज्योमेट्रिकल. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन याद है? देयर मस्ट बी अ नॉन फ्री रोटेशन एटलीस्ट वन पोजीशन इन द मॉलिक्यूल. यहां पे नॉन फ्री रोटेशन कहां है भाई? विच आइसोमर्स आर दे? ऑन फॉर्मेशन. कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अक्रॉस अ सिंगल बॉन्ड. क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम यहां पे रोटेट करते हैं तो बी वेरी क्लियर, ये जो OH H है ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसको घुमाते ये पीछे की तरफ चले जाएंगे. क्या मैं इसको घुमा के इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? यहां पे ये दोनों आगे की तरफ आ रहे हैं, दे आर डायस्टीरियोमर्स, सिंपली डायस्टीरियोमर्स, नथिंग एल्स. क्लियर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑल्सो इज अ कैटेगरी ऑफ डायस्टीरियोमर. ठीक है, हमारे पास डायस्टीरियोमर दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स. दीज आर ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स. ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, पर इनकी ऑप्टिकल रोटेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इन दोनों की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट है. इन दोनों को क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है. दे आर डायस्टीरियोमर्स. Is that clear? समझ आ रही है बात? क्या कुछ नहीं, तो इतनी जोर से बोल रहा है, कुछ होता तो पता नहीं, तू तो नारे लगाना शुरू कर देता. दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज. This compound is called mannose. This compound is called galactose.
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्रक्टोज. ऑल दीज हैव द सेम फॉर्मूला C6H12O6. ऑल दीज आर डी कंपाउंड, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज, डी फ्रक्टोज. All these four are monosaccharides, and all these are hexoses. Hex means six. Hexoses. ठीक है. इनमें से हर किसी को अगर आप रेड फॉस्फोरस एच आई से रिएक्ट करो तो आपको एन हेक्सेन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, क्लियर. अगर हम पहले तीन कंपाउंड की बात करें तो द फर्स्ट थ्री कंपाउंड्स आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर. देखो मैं यहां पे शब्द से खेल रहा हूं, शब्दों का मतलब समझते चले जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी. द फर्स्ट थ्री कंपाउंड्स आर डायस्टीरियोमर्स. लेकिन अगर हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो फोर्थ कंपाउंड का बाकी तीन से रिलेशन क्या है? कोई रिलेशन नहीं है. फ्रक्टोज इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज. ठीक है, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज में फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड. द मोनोसैक्राइड्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड आर टर्म्ड एल्डोजेस. They are termed aldoses. The monosaccharides having the functional group as aldehyde are termed aldoses. And very obviously, the one which have the ketone as the functional group are ketoses. ठीक है, तो इसी के साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. क्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स. चलिए यहां देखते जाइएगा, मेरी शक्ल मत देखिए. लेट्स कंसीडर ग्लूकोज एंड मैनोज. अगर हम ग्लूकोज और मैनोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और मैनोज में कहां फर्क है? अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग स्टार्ट होगी सीएचओ से. सीएचओ इज वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, छह कार्बन. कौन से कार्बन पे? सेकेंड. CHO इज द फर्स्ट कार्बन. सेकेंड कार्बन पर जो OH है ग्लूकोज में, दैट इज ऑन द राइट साइड. मैनोज में इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है ना. अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंपेयर करें और दोनों की नंबरिंग करें तो अगर फर्स्ट कार्बन देखा जाए तो दोनों CHO है. सेकेंड कार्बन देखा जाए दोनों पे OH राइट पे है. थर्ड कार्बन देखा जाए वो भी सेम है. फोर्थ कार्बन देखा जाए तो गड़बड़ है. गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, जबकि ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पर OH इज ऑन द राइट साइड. सो द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फिगुरेशन. अब देखो अगर OH और H को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां पे कॉन्फिगुरेशन उल्टी हो जाएगी. अगर एक आ रहा है तो दूसरा ऐसा आ जाएगा. तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर इन कॉन्फिगुरेशन एट द कार्बन नंबर फोर. ग्लूकोज एंड मैनोज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फिगुरेशन एट कार्बन नंबर टू. ठीक है, और ये दोनों पेयर्स में सिर्फ एक कॉन्फिगुरेशन फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है,
Now, glucose and galactose are diastereomers. Glucose and mannose are diastereomers, which differ from each other in configuration at only one chiral carbon. Such diastereomers have a special name. They are called epimers. Fine. So definition likh lijiye. The diastereomers which differ from each other only in configuration at one chiral carbon are termed epimers. ठीक है, तो हम ग्लूकोज और मैनोज को कह सकते हैं these are C2 epimers. कार्बन नंबर 2 पे इनका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट, तो इसलिए हम इनको C2 epimers बोल सकते हैं. एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ऑफकोर्स टर्म्ड एज C4 epimers. Fine. C2 epimers and C4 epimers. But understand, glucose ke saath fructose epimer nahi hai, functional isomer hai. Fine. अब ये तो हमने इन structures की बात कर ली. अब अगर हम इन structures की बात करते हैं, then in that case, यहां पे हमारे पास CHO है. Aldehyde group. Aldehydes easily oxidizable है. So it is very obvious 1, 2, 3. These are capable of giving the Felling test, Benedict's test, Tollens test, Bayer's test, bromine water test, and all the oxidation tests. ठीक है. Important बात ये है कि जब हम fructose की बात करते हैं, तो fructose is an alpha hydroxy ketose. ठीक है. Alpha hydroxy ketose have a capacity to rearrange. मतलब कि हमारे पास ये structure है. In the presence of a base, it has a capacity to rearrange. Rearrange in the sense कि ये इसमें convert हो जाता है. इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशंस को. ठीक है, तो अगर मैं फ्रक्टोज लेता हूं और फ्रक्टोज के अंदर कोई बेस डाल देता हूं, मे बी अ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनी डैम बेस, उससे फर्क नहीं पड़ता, माइल्ड स्ट्रॉन्ग कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं इसको बेस डाल देता हूं तो धीरे धीरे फ्रक्टोज रीअरेंज करना शुरू करेगा एंड वी आर गोइंग टू एंड अप विद एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर of glucose, mannose and fructose. Clear? क्योंकि जब यह rearrange होगा ऐसे, तो इस carbon की configuration कोई fixed नहीं रह जाएगी. ठीक है ना, interchange होते रहेंगे. तो यहां पर ये जो यहां पर जब OH आएगा तो वह left side पर भी आ सकता है, right side पर भी आ सकता है. अगर वो राइट साइड पे आ गया तो इट विल बी कॉल्ड ग्लूकोज, अगर लेफ्ट साइड पे आ गया तो इट विल बी कॉल्ड मैनोज. ठीक है, इसी तरीके से अगर ग्लूकोज के अंदर बेस डाल दिया जाए तो ये भी ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैनोज भी कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब कि
एक दो तीन इनमें से किसी में भी अगर बेस डाल के छोड़ दिया जाए तो वी विल एंड अप विद अ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री. क्लियर? दिस रीअरेंजमेंट, दिस इज अ रीअरेंजमेंट. यहां पे कोई एडिशन नहीं हो रहा, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, बस फॉर्मूला और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फॉर्मूला भी चेंज नहीं हो रहा. तो दिस इज अ रीअरेंजमेंट. फाइन, एनसीईआरटी में इसका अच्छा सा लंबा सा नाम दे रखा है, इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट. लॉबरी डी ब्राउन, लॉबरी डी ब्राउन फॉन आइकनस्टीन रीअरेंजमेंट. नाम पता नहीं, याद रखना जरूरी है या नहीं जरूरी, एनसीईआरटी में दे रखा तो मैंने भी नाम बता दिया. बिकॉज ऑफ दैट इन अ बेसिक मीडियम ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज गेट कन्वर्टेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज. ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम चाहे फ्रक्टोज लें, चाहे ग्लूकोज लें, चाहे मैनोज लें, अगर हम उसको बेसिक मीडियम में रखते हैं और फिर हम उसको ऑक्सीडेशन टेस्ट करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन टेस्ट जरूर आएगा. ठीक है, क्लियर? फाइन, तो इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज विल गिव पेलिंग, बेनेडिक्ट्स, टॉलेंस एंड बेयर्स टेस्ट. इज इट क्लियर? क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक रिएजेंट्स हैं. इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे तो ब्रोमीन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक मीडियम. ब्रोमीन वाटर में ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा. तो जो फ्रक्टोज है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, फ्रक्टोज नहीं देगा. तो दैट कुड बी द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, इज इट क्लियर? ऑल द सैकराइड्स विच गिव बेनेडिक्ट्स, Fellings and tolerance test are termed as reducing sugars. ठीक है, क्लियर? जितने भी मोनोसैकराइड्स, चाहे वो कीटोज हो, चाहे वो एल्डोज हो, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. देखो दो स्टेटमेंट्स हैं, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए नहीं है. Fine. All the sugars, all the carbohydrates which give Benedict's, Fehling's and tolerance test are termed reducing sugars. What did I say? ध्यान से सुनो, पूरी बात ठीक से सुनो. वही बोल रहा हूं, शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, अपना दिमाग मत घुसाना. यहां शब्द ही इंपॉर्टेंट है. मैं अक्सर स्टूडेंट से बोलता हूं, शब्दों पे ध्यान दो, भावनाओं को मत समझो. ठीक है, तो कृपया शब्दों पे ध्यान दे. शब्द ये हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव बेनेडिक्ट्स, फेलिंग्स एंड टॉलरेंस टेस्ट आर टर्म्ड रिड्यूसिंग शुगर्स. ये पहली स्टेटमेंट सर. ठीक है, All monosaccharides are reducing sugars. ठीक है, वो एक फालतू का वो कॉमन सेंस वाला रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते. इफ ऑल डॉग्स आर कैट्स सो ऑल कैट्स आर डॉग्स, वो होता नहीं है दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. ये वो उस तरीके का क्वेश्चन बन गया कि ऑल saccharides, all carbohydrates which give Benedict's, Fehling's and tolerance test are termed reducing sugar. ठीक है, all monosaccharides are reducing sugar.
तो इससे ये मतलब निकलता है कि ऑल मोनोसैकेराइड्स गिव बेनेडिक्ट्स फिलिंग्स एंड टॉलरेंस टेस्ट, बट इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता दैट ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स आर मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, इससे ये मतलब भी नहीं निकलता कि पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर, और इससे ये मतलब भी नहीं निकलता कि ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. तो जो मैंने मतलब दिया है वही मतलब निकालना, अपनी मर्जी से मत निकाल देना. ठीक है, डायसैकेराइड्स मे बी रिड्यूसिंग मे बी नॉट रिड्यूसिंग. एम आई क्लियर, समझ आ गई इतनी बात? May be reducing, may not be reducing. All disaccharides are carbohydrates, but all carbohydrates are not reducing. So all disaccharides also are not reducing. समझ आ रही है बात? ठीक है. Clear? इतनी बात ठीक है? कोई confusion? ओके, तो ये हमने एपिमर्स डायस्टीरियोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स की बात कर ली. कुछ पूछता है? जितना आपने अभी तक किया है कुछ भी पूछना फटाफट पूछ लो. यार खुद ने पढ़ना नहीं है तो मत पढ़, दूसरों को तो पढ़ने दे. कैपिटल टी का मतलब है किस फैमिली को ये बिलोंग करता है, स्मॉल टी का मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन, तो दोनों सेम नहीं है. ठीक है, स्मॉल डी और स्मॉल एल का यूज अब खत्म हो चुका है. स्मॉल डी की जगह प्लस लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल एल की जगह माइनस लिखा जाता है. इज इट ओके? कैपिटल डी और स्मॉल डी का नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. डायसैकेराइड, एक मिनट, वही मैंने तुमसे अपनी तकलीफ ढूंढने के लिए कहा था, दूसरे की तकलीफ में पिंच चुभने के लिए नहीं कहा था. हाँ मैंने बोला है? मैंने नहीं, मुझे नहीं पता सच में, मुझे नहीं पता. हो सकता है लिखा हो, तो जो मुझे पता नहीं है मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं. हाँ जी, पोलारी मीटर में डाल के अगर देख के बताएगा तो कान पे पड़ेगी. समझ आ गई बात? जब अच्छी तरह समझाऊं, 3 से 10 ऑलिगोसैकेराइड्स का, ऑलिगोसैकेराइड्स का गम्स है, रेजिन्स है, गम्स. ठीक है, ये जो गोंदे नहीं लगाते तुम, ऑलिगोसैकेराइड्स. अल्फा अल्फा मैंने कब बोला? वे अजीब बात है यार. कुछ का कुछ अब अल्फा के साथ ग्लूकोज अपनी तरफ से चिपका दिया है ना. अल्फा हाइड्रोक्सी फ्रक्टोज मैंने कब बोला? कीटोज नहीं, कोई रिलेशन नहीं है. हाँ स्मॉल डी और प्लस सेम है, स्मॉल एल और माइनस सेम है. हाँ भाई कोई कंफ्यूजन? ओके, अच्छा अब एक
और छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे एल्डिहाइड या कीटोन हैं, ठीक है? अगर हम इन सब को रिएक्ट करवा दें समथिंग लाइक क्या नाम है इस कंपाउंड का, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है? ये सारे इस कंपाउंड से रिएक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? बनाएंगे क्या, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है? हमारे पास ये कंपाउंड है CH2CHOH, अब मैंने यहां पे CHOH लिखा है, कॉन्फिगरेशन से मतलब नहीं है, ठीक है? इसको अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले हमें कंपाउंड मिलता है CHNNC6H5, ठीक है? CH2CHOH, ठीक है? इसके बाद अगर हम इसको फिर से C6H5NH2 के साथ रिएक्ट करवा दें, अच्छा क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस कंपाउंड के अंदर इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अच्छा जल्दी बोलो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकलती तुमसे? -1 आई थिंक -2 है, करके देखो, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में भी उसका -1 आ गया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी -1 आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है? और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस, अबे 2 है यार, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 ही ना, दो हाइड्रोजन है, तो यहां पे इन दोनों नाइट्रोजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, -3, तो यहां पे ये -2 से -3 में जा सकता है, अगर ये -2 से -3 में जा सकता है जो स्पीशी नेगेटिव और ज्यादा हो सकती है वो रिड्यूस हो सकती है, मतलब कि ये रिड्यूस हो सकता है, जो चीज रिड्यूस हो सकती है वो किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकती है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है? तो यहां पर ये अगला मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये बना देता है CH NNCNH C6H5 C OH, और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है C6H5NH2+NH3 में, ठीक है? तो पहला मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल इसे ऑक्सीडाइज करता है और फिर तीसरा मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड यू गेट अ कंपाउंड एज क्लियर, दिस इज बिसफिनाइल हाइड्राजोन, दो हो गए ना साथ में, ठीक है? एंड फिनाइल हाइड्रोजोन विल बी फॉर्म्ड एट द कार्बन नंबर 1 एंड 2,
ठीक है, इज इट क्लियर? कार्बन नंबर 1 और 2, ओके। ये जो बिस्फिनाइल हाइड्राजोन है, इसको कॉमनली एक नाम दिया जाता है, ओसाजोन। ठीक है, बिस्फिनाइल हाइड्राजोन इज टर्म्ड एज ओसाजोन। फाइन, समझ आ गया? ओसाजोन बनने में हम इस कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, चाहे ग्लूकोज लें, चाहे फ्रक्टोज लें, चाहे मैनोज लें, चाहे गैलेक्टोज लें, मिक्स इट विद 3 times ऑफ द फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन 3 गुना, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं एंड वी एंड अप विद ओसाजोन। फाइन, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? बेटा यहां पे इसको रिएक्ट कर गया, ये कार्बन वल्नरेबल हो जाता है डबल बॉन्ड NN की वजह से, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, होती रहेगी, पर ये आगे होने से पहले ही हमने इसको लिमिटेड अमाउंट में रखा है। मैंने बोला ना 1:3 का रेशियो रखा जाता है, अगर आप ज्यादा रेशियो कर दो तो ये आगे भी जा सकता है, बट हाँ थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, तो इसलिए हम इसको रेशियो बनाते हैं और इसी तरीके से ये ओसाजोन बन जाता है। ओसाजोन इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इट कैन बी सेपरेटेड आउट, और हर ओसाजोन अलग अलग, अगर ओसाजोन बनते हैं तो उनके सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट ओसाजोन कैन बी फॉर्म्ड, और ओसाजोन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हमें यह पता चल जाएगा ये कंपाउंड कौन सा था। ओके, क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज, ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज इज ट्रीटेड विद थ्री टाइम्स द अमाउंट विद फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज का टोटल जितना अमाउंट था उसका 3 गुना आपने फिनाइल हाइड्रोजीन डाल दिया। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट ओसाजोन्स, हाउ मेनी डिफरेंट ओसाजोन्स विल बी ऑब्टेन्ड, जल्दी से बनाओ। Hello class, I got the first exercise.
भाई साहब उस जोन फॉर्मेशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होती है। लिख दिया आंसर तो लिखो। फर्स्ट सेकंड अटैक सीएचओ पे होगा ना पहला, या सी डबल बॉन्ड ओ पे होगा। फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड फर्स्ट होती फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही है उस जोन फॉर्मेशन। मेक इट मैंने एक भी नहीं बनाया है, मैंने एक भी नहीं बनाया है बेटा। यहां पे सी एच ओ एच के अंदर मैंने उसकी कायरलिटी नहीं बताई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई है। यहां पे सी एच ओ एच लिखने में ओ एच राइट साइड पे नहीं हो जाता क्योंकि आपको एच की पोजीशन नहीं पता। और ये किसने कह दिया, अगर मान लीजिए इसको राइट भी ले लिया तो ये जरूरी है ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज नहीं हो सकता। ये जितना बोला जाता है ना सिर्फ उतना सुना करो। हाँ भाई बना लिए, बना लिए। सवाल बिल्कुल सीधा है, अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज इज ट्रीटेड विद अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, हाउ मेनी डिफरेंट ओसाजोन्स विल बी ऑब्टेन्ड। लिख दिए या थ्री टाइम्स अमाउंट इज सफिशियंट अमाउंट ओसाजोन बनाने के लिए, तो मैं थ्री टाइम्स द अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन बोल सकता हूँ, सफिशियंट अमाउंट बोल सकता हूँ। सफिशियंट अमाउंट में तुम्हारा अलग से बैंड बच जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज यू हैव टू नो दैट सफिशियंट अमाउंट इज थ्री टाइम्स अमाउंट। ये फालतू का क्वेश्चन भी होता है कि टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ओसाजोन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन आर रिक्वायर्ड, द आंसर इज नॉट टू, आंसर इज थ्री। इज इट क्लियर? और वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट का फॉर्मूला पूरा लिखेंगे और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी बना देंगे कि टू मेक दिस प्रोडक्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन वुड बी रिक्वायर्ड। और वहां पे थ्री लोगों को लगता है थ्री क्या है, दिख तो रहे तो क्या सवाल है, क्या वाहियात सवाल है, वाहियात सवाल में तुम्हारा बैंड बच जाता है। मुझे आज तक याद है कि एमएससी के अंदर हमसे एक सवाल पूछा गया और सवाल क्या था, फॉर्मूला लिख दिया गया कि द आंसर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द आंसर। एमएससी के अंदर वो सवाल पूछा गया था, मैं उस सवाल को पहले पांच मिनट में उस सवाल को घूरता रहा था। मैंने कहा मैं चाहता क्या है, फॉर्मूला लिख दिया, ये सोच पूछना चाहता है कि हमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना आता या नहीं आता। एंड एक्चुअली वही सवाल था, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। और मजेदार बात, साइंटिफिक कैलकुलेटर दे रखे थे, आठ नंबर का क्वेश्चन था, सॉल्व कर दो कर लो, ऐसा सवाल दे देते हैं। पता नहीं भूल गया अब सवाल, तो बहुत पुरानी बात हो गई यार, सन 1997 की बात है। हाँ 1997 अंग्रेज की दो। मैं तब एमएससी में था, मुबारक हो। महानता तो तुम्हारी छिटकती फिरती है, हर जगह पड़ी रहती है, दिखती रहती है, यहां पे भी महानता टपक गई, वहां भी टपक गई। हाँ भाई आंसर आ गया,
आ गया आंसर? कितने हैं? जीरो। ओसा जोन ही नहीं बनेगा। अबे कितने बनेंगे ये तो बता दे, कितने ओसा जोन बनेंगे? मैंने डिफरेंट ओसा जोन थोड़ी ना बोला था, एक ओसा जोन बनेगा। हाँ भाई कितने बनेंगे? दो। दो। हाँ भाई मानशु जी कितने बनेंगे? एक। हाँ भाई कितने बनेंगे? एक भी नहीं, ओसा जोन ही नहीं बनेगा। तो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ, तुम कह रहे हो ओसा जोन नहीं बनेगा। बना के देखे। भाई साहब आपने बना के देखे? कौन कौन से बनाए दिखाओ। एक ये बना, दूसरा एक ही बनेगा। हाँ भाई दो बन रहे हैं। हाँ दिखा चो। अरे भैया बना के दिखा मुझे, ओसा जोन बना के दिखा। ये वाले बना मेरे को, ओसा जोन बना के दिखा। सर इसका तो बना दिया था, तो दूसरे का भी बना और नीचे पूरा स्ट्रक्चर बना। हवा में मत नहीं बात कर। हाँ भाई कितने बने? क्या क्यों क्यों क्या नहीं पता चल रहा? क्या नहीं पता चल रहा? तो बना के देखेगा तब तो पता चलेगा सबके बना, और फिर देखो सेम है या डिफरेंट है। हाँ भाई कितने बने? कितने बने? क्वेश्चन क्या है? जो तीन स्ट्रक्चर बता रखे हैं तुम्हें उनके औसत बना दो, बस यही है ना। और क्या है? मैडम कार्बन की वैलेंसी कुछ तो इज्जत रख लो, सी एच ओ एच है। क्वेश्चन डिक्टेट करवाया भाई, वहां पे आईआईटी के पेपर में बैठ के वो एग्जामिनर से पूछता रहेगा क्या इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो ना बने पर क्यों नहीं बनेगा एक बार बता, अगर मिक्सचर में तीनों है तो। मैंने कब बोला तीन मोल डाले? थ्री टाइम्स द अमाउंट, यह जितना भी अमाउंट था मैंने उससे तीन गुना डाल दिया। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो आंसर कैसे दिया था? पढ़ा ही नहीं था और आंसर दे दिया। भगवान तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना दे, मिलेगी नहीं। हाँ कितने बने बेटा? ये ओसा जोन नहीं है, ओसा जोन डाइहाइड्रा जोन है, दो मॉलिक्यूल। तो वन ठीक है, ये है ओसा जोन, ये नहीं है। वहां पहुंच उसकी बात कर। वन ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है आंसर लिख दे, बात खत्म। हाँ यही तो बोला है मैंने, ओसा जोन ही फर्स्ट सेकंड है। कितने बने? बात खत्म, बैठ जा। दो दिखा, कौन कौन से? अरे कहाँ है दो? एक ये और ये। अबे इन दोनों में फर्क क्या है? अरे फर्क बता इन दोनों में जो बनाए हैं। वैसे तो सेम है तो मैं कैसे बताऊंगा डिफरेंट है? सवाल क्या है? डिफरेंट ओसा जोन, डिफरेंट रिएक्टेंट पूछा है तो डिफरेंट ओसा जोन बताना। ये नीचे क्यों डबल बॉन्ड वो लगा दिया? क्या तीन? भाई पहला सी एच ओ नहीं है, पहला सी एच टू ओ एच है। फ्रक्टोज सामने देख,
क्या कर रहा है? हाँ भाई कितने बने? अबे बना ले। फिर एक बात बताया, जो फ्रुक्टोस है उस पे डबल बॉन्ड हॉपी रिएक्ट कर देगा। हाँ। फिर उसके ऊपर वाले पे मेरे, नीचे वाले पे? ऊपर वाले पे। तुम्हें एक हिंदी अंग्रेजी कुछ समझ में आता है? अब समझ गया, फर्स्ट सेकंड कर। कितनी बार बोला ये? यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती, रियली समझ में नहीं आती, जब तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता तुम आंसर देते कैसे हो? तुक्का। मैं जैसे ही पूछता भाई आंसर क्या है, ये कैसे आया सर, क्वेश्चन क्या था ये बताना, ये क्या बात हुई? आंसर तुम दे चुके हो फिर पूछा सर क्वेश्चन बताना जरा। सवाल क्या है? बात खत्म, वो बता जवाब दे। कितने बने? तो कितने बने? एक। फिनिश्ड। द आंसर इज वन। यार देखो बेटा, जिस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, सही बता रहा हूं कि तुमने इस साल एडमिशन लेके अपने बाप बाप के पैसे, अपना समय और अब एग्जामिनेशन का फीस भर के और पैसे बर्बाद कर रहे हो। ये कम से कम, चलो मान ली बात, तो तुम्हें नहीं आती कुछ चीजें, मान ली मैंने बात, हो सकता है तुम्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आई, मान लिया, हो सकता तुम्हें कुछ नहीं आता ये भी मान लिया, पर जितना आता है जब तुम्हें एक चीज कही जाए तो वो करते क्यों नहीं हो? मुझे इस पर्टिकुलर बैच से या किसी भी बैच से जो इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, इस बात की दिक्कत नहीं है कि वो बेवकूफ है, ये बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ये है कि वो बेवकूफ होते हुए अपने आप को समझदार समझते हैं, ये दिक्कत की बात है। अबे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, सॉल्व क्यों नहीं करते हो? समझते पता नहीं क्या है अपने आप को। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सामने आता है, पता नहीं कौन सी जिद है, नहीं सॉल्व नहीं करेंगे। क्या चाहते हो भाई? क्या मैं भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, ठीक है ना? वही बात है ना कि एक लड़का साइकिल चला रहा था, उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था आई विल बी एन इंजीनियर, साइकिल के पीछे लिखा हुआ था आई विल बी अ मर्सिडीज। वो हाल है तुम्हारा? ये फिर से देख लो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ, सामने सॉल्व किया हुआ है। आज मुझे समझ में आता है कि वो एमएससी प्रोफेसर ने हमें वो क्वेश्चन क्यों दिया था, क्योंकि उसको ये भी पता था कि क्वेश्चन लिख के, फॉर्मूला लिख के, वैल्यूज लिख के सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने के लिए दे दिया जाए ना साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ तो भी हजार बहुत से होंगे जो वो भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया था उसने। वही मैंने किया है, फॉर्म सब कुछ सामने लिखा, स्ट्रक्चर सामने लिखा, तरीका बताया, फिर तुमसे पूछा गया कितने ओसाज हो, वो तुमसे नहीं हो रहा। एक बाकी आ गई। हाँ मैनोज है। अबे मैनोज में यहाँ कहाँ है हुए? ये सेकंड का बनाइए, तुमने थर्ड बना दी, मतलब ये पहले पहले। हाँ इन दोनों पे लग गया, ये वो छट जाएगा, हाँ छट जाएगा, लग जाएगा फिर। अच्छा ये कायरल कार्बन है,
ये दोनों काइरल हैं, तो फिर यहाँ और यहाँ में फर्क है? यार जहाँ कॉन्फ़िगरेशन डी नहीं जा सकती वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस बता रहा है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ग्लूकोज मैनोज एंड फ्रक्टोज दे गिव द सेम ओसा जोन, दैट मीन्स ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, विच ऑफ दीज कंपाउंड विल गिव ग्लूकोसा जोन? ग्लूकोज का ओसा जोन यार, ठीक है सुन, ठीक है, और ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं होगा, समझ आ गई बात? या फिर और ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछने का मूड होगा तो पूछ लेंगे विच ऑफ देम विल गिव द सेम ओसा जोन एज ग्लूकोज, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, आपको कुछ तीन चार आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर बना के दे दिए जाएंगे, और तीन चार आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर बना के एक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ही दे दिया जाएगा, विच ऑफ दीज फोर कंपाउंड विल गिव द सेम ओसा जोन एज दिस कंपाउंड। तो प्लीज बी अ क्लियर, आपको फर्स्ट सेकेंड पोजिशन नहीं देखनी, जो मर्जी हो फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे, यू आर नॉट टू बी बॉदर्ड, कीटोज है होने दो, एल्डोज है होने दो, डाई कीटोज है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको नीचे वाली पोजीशन देखनी है, आपको यह देखना है कि कौन से दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी ये पोजीशन सेम है। अगर ये चार पोजीशन सेम है तो इट विल गिव द सेम ओसा जोन। तो अगर हम इन चार कंपाउंड्स की बात करते हैं तो गैलेक्टोज विल गिव डिफरेंट ओसा जोन बिकॉज इट इज अ सी फोर एपीमर। क्लियर, ये कीटोज है, ये एल्डोज है, लेकिन ये वन टू पोजीशन पे डिफर कर रहे हैं, वन टू पोजीशन डिफर, डिफरेंस इज डिस्ट्रॉयड। ओसा जोन के अंदर ये दोनों पोजीशन कायरल नहीं है, कॉन्फिगरेशन ही खत्म हो गया है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज के ओसा जोन सेम है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज टू कंपाउंड विल गिव सेम ओसा जोन, विच ऑफ दीज टू कंपाउंड विल गिव सेम ओसा जोन, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने ये कंपाउंड बनाने की जगह ये कंपाउंड बना दिया, भाई तीन मॉलिक्यूल की जगह दो मॉलिक्यूल लग जाएंगे, अब ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है, ओसा जोन तो बना सकता है। क्वेश्चन ये थोड़ी ना कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के, क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेम ओसा जोन बनाएंगे, बना दो यार, सवाल का जवाब देते हैं, सवाल बनाते नहीं है। घुमाओ मत क्वेश्चन को, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर? हाँ, फालतू का पंगा हो सकता है, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स आर केपेबल ऑफ गिविंग ओसा जोन, ये भी आ जाएगा उनमें से। ओसा जोन तो बनाएगा ना, तीन से नहीं बनाएगा, दो से बनाएगा, कम चाहिए होंगे। Is that clear? समझ आ गई ये चीज़? यार मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें सिर्फ एक दिक्कत है, एक दिक्कत केमिस्ट्री के लिहाज से तुम्हें सिर्फ एक दिक्कत है, तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में रोते सर मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब बहुत इरिटेशन होती है जब स्टूडेंट बोलते मार्क्स नहीं आ रहे, पता नहीं सही में तुम्हारे माँ बाप के अगर किसी दिन मिल जाते ना मुझे, तो सही में सब एक स्टैम्प पेपर अगली बार के बच्चों के लिए तो पक्का है
एक स्टैम्प पेपर का गट्ठा बनवा के रखूंगा, हाँ जी आपके बच्चे का क्या नाम है ये नाम है, आपका क्या नाम है ये नाम है, दीजिए लास्ट पेज पे साइन कीजिए और उसमें लिखा हुआ अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कि इस बच्चे को पीटने की खुली छूट है, लिखवा लूंगा मैं सारे पेरेंट्स। और मजेदार बात यह है कि हर पेरेंट लिख के जाएगा, मजाक नहीं है। अब एक बार बताओ, हमारे पास एक रिएक्शन हमने किया था, दिस रिएक्टिंग विद, ये वाला रिएक्शन किया था, ठीक है थोड़ा बना दो, और हां जितना पूछा गया है उतना बताना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। के अंदर एक गड़बड़ हो गई ऐसे निकल के, वैसे मुझे उम्मीद कम है कि तुम इन क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे, पर कहीं पे वो कहते हैं ना कि फेंट होप, फेंट सी कहीं पे कोई ग्लिमर होता है कि कभी ना कभी कोई छलांग मार के चांद पे से कूद जाएगा, ऐसी होप है कि तुम इन सब के आंसर दे पाओगे। इसकी कौन से वाले कागज की, इसकी, हाँ वो गड़बड़ हो गई थी, लिखते लिखते कुछ सोच रहा था मैं। चलो कम से कम तुम्हें चार तक गिनती तो आ गई, दैट ऑल्सो इज अ ग्रेट। यहां मैं कहता चलो एक काम करो, इनको CHO ही मार दो, ज्यादा टेंशन मत लो। Thank you.
हाँ जी बना सकते हैं इन सबके फॉर्मूले, कंपाउंड क्या बनेंगे? इसका तो आंसर बना लिया होगा, बना लिया ना? अबे भाई कार्बन की वैलेंसी की इज्जत रख ले, ये क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया भाई तुमने, सोच मैकेनिज्म क्या है इसका? ये क्या किया है, क्या किया है ये राम? गलती हो गई तुमसे सवाल पूछ के भाई साहब, एस्टर का हो क्या रहा है? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, कोई एस्टर बना रहा है? इन भाई साहब ने तो डबल बॉन्ड आर बन क्या कर रखा है? ये OH बनाओ। हाँ ठीक है, बस 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 H प्लस नहीं डालना था, वो OR से ही H, ये वाला H आ जाएगा, ये वो H प्लस डालने की जरूरत नहीं है। मुबारक, इतनी काट पीट के बाद बना दिया, जरूरत है? मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, फिर कुछ भी है ना? भाई साहब बनाओ, ठीक चल रहे हो, चलाओ। बना दे भाई, बना मैकेनिज्म बना। यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, हेमी एसिटल, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस कंपाउंड के अंदर OH और डबल बॉन्ड O एक ही मॉलिक्यूल में है। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और ये बॉन्ड अगर क्लीव होगा तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक करेगा, फाइन? एंड वी आर गोइंग टू गेट ठीक है, क्लियर? इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, समझ आ रही है बात? दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन, इज इट क्लियर? अगर हम यहां की बात करें, यहां पर भी सेम रिएक्शन होगा, फाइन? यहां पर भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बेटा टेपने से पहले देख लो, ओके? ये बन जाएगा, इसे बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं? क्लियर? अगर हम इसकी बात करें
तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर एसिटल नहीं बनेगा। बता सकते हो क्यों? सेवन मेंबर, ये फाइव मेंबर रिंग है, ये सिक्स मेंबर रिंग है, ये सेवन मेंबर बन जाएगी, इसलिए नहीं बनेगी। फाइव मेंबर रिंग आर फॉर्म्ड फास्टर, सिक्स मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल। तो अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता तो सिक्स मेंबर बनेंगी, अगर लो टेम्परेचर पे होता तो फाइव मेंबर बनेंगी, क्योंकि फाइव मेंबर काइनेटिकली फेवर्ड है, सिक्स मेंबर थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन। तो यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। एम आई क्लियर? अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, अब इस कंपाउंड में खास बात यह है कि यहां पे फाइव मेंबर रिंग भी बन सकती है और सिक्स मेंबर रिंग भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इज इट क्लियर? अगर इससे हो गया तो इट विल फॉर्म फाइव मेंबर रिंग, इससे हो गया तो इट विल फॉर्म सिक्स मेंबर रिंग, इससे नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर कर दिया मैंने आपको इन तीन का फंडा। इससे बन सकता है फाइव मेंबर, इससे बन सकता है सिक्स मेंबर, इससे नहीं बन सकता क्योंकि सेवन मेंबर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो भी इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल्स हैं, दे ऑल आर साइक्लिक ईथर। देखो ये साइक्लिक ईथर है, ठीक है, ये देखो ये साइक्लिक ईथर है, ठीक है। दो सबसे फेमस साइक्लिक ईथर्स हैं, एक साइक्लिक ईथर है ये, दिस इज कॉल्ड फ्यूरान, दिस इज साइक्लिक ईथर, दिस इज कॉल्ड फ्यूरान, ठीक है। और ये दूसरा साइक्लिक ईथर है, दिस इज कॉल्ड पायरान, ठीक है, क्लियर। तो जितने भी फाइव मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल्स हैं, जितने भी, दे आर कॉल्ड फ्यूरानोस। ठीक है, और जितने भी सिक्स मेंबर साइक्लिक हेमी एसिटल्स हैं, दे आर कॉल्ड पायरानोस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसका एक सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर हम सैकराइड्स की बात कर रहे हैं तो ट्रायोज की फोर मेंबर रिंग बनेगी, वो नहीं बना सकता, लेकिन टेट्रोज या पेंटोज, दे हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल्स। ठीक है, हाँ, टेट्रोज में चार कार्बन है बेटा, एक ऑक्सीजन है बीच में रिंग में, तो पांचवा एटम ऑक्सीजन है, कार्बन हमें चार चाहिए। तो टेट्रोज एंड बियॉन्ड, दे हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल्स। ठीक है, पेंटोज आराम से बना लेगा साइक्लिक हेमी एसिटल, हेक्सोजेस आराम से बना लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन जो ये साइक्लिक हेमी एसिटल बनते हैं, या तो फाइव मेंबर्ड होंगे या सिक्स मेंबर्ड होंगे, यानी कि या तो ये पायरानोज होंगे या फ्यूरानोज होंगे। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अब ग्लूकोज एक हेक्सोज है, ग्लूकोज एक हेक्सोज है, ये भी साइक्लिक हेमिस्टल बना सकता है। फाइन, साइक्लिक हेमिस्टल में क्या होगा? हम सिक्स मेंबर की बात कर रहे हैं फिलहाल, यानी कि पायरानोज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये यहां अटैक करेगा,
ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव होगा, फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक करेगा. इज इट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड, ये कार्बन काइरल नहीं है. ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये काइरल कैसे हो सकता है? ये तो है ही नहीं काइरल. क्लियर? ये ऑक्सीजन जब इस पर अटैक करेगा तो ये CHO किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है. और जब ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है तो ये जो कार्बन अटैक करने के बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये एल्डिहाइड में कार्बन काइरल नहीं था, लेकिन मजेदार बात ये है कि हेमी एसिटल में ये जो एल्डिहाइड का कार्बन है ये हमेशा काइरल बन रहा है. अब ये काइरल कार्बन है, दिख रहा है? क्लियर? तो ये वाला जो एल्डिहाइड का कार्बन है ये हेमी एसिटल बनते ही काइरल बन जाएगा. पर यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, यानी कि दोनों साइड बन सकता है. तो दोनों साइड बन सकता है तो हमें दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे. अब दोनों स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं. कुछ पूछना है? ये बना सकता है, इस तरीके से रिएक्शन होगा तो ये एक स्ट्रक्चर ये बना सकता है. देखो यहां पे कोई कार्बन नहीं है, ये थोड़ा नीटली बनाने के लिए बना दिया. अगर आपको कार्बन से ज्यादा टेंशन हो रही है तो एक काम करो, इसको ऐसे बना दो, वरना तुम कहीं सही. तो कॉर्नर आपने बना दिया और आपने कहा था कॉर्नर पे कार्बन होता है, ओके, तो मैंने इसको कर्व बना दिया, अब कोई कॉर्नर नहीं है. ये स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है. ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है. अब अगर स्ट्रक्चर को रिंग में बनाया जाए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है. ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है. और ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है. लो बेटा, ये वाला वो कार्बन है जो CHO का था, ये उस ओपन चेन स्ट्रक्चर में काइरल नहीं था, रिंग स्ट्रक्चर में ये काइरल बन गया, ठीक है. तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो सकता है. द टोटल नंबर ऑफ काइरल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज, द आंसर इज 4.
एंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन पायरनो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज द आंसर इज 5. इज इट क्लियर? दिख रहे हैं यहां पे 5 कायरल कार्बन, उसमें 4 है, इसमें 5 है. Is this clear? Sir, वो CH2 है जन, वो नीचे भी जा सकता है, डंडा जामने वाला उसको तो बेटा उस डंडे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो डंडा जो मारा है. लेकिन ये कार्बन जो है ना, इसकी कायरल कार्बन, इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स्ड है, ये कायरल कार्बन है. तो ये मेरी मर्जी नहीं है कि इस डंडे को नीचे या ऊपर कर दूं. साइक्लिक वाले में, अरे मेरे भाई साइक्लिक जब बनेगा तो यहां कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, तो क्यों कर रहा है फिर? मर्जी नहीं है आपकी ऊपर नीचे करना. अगर इसको ऊपर नीचे करना, पूरा पलट दो, सारे ऊपर के नीचे हो जाएंगे, नीचे के ऊपर हो जाएंगे, सारे एक नहीं होगा. और ये ऑक्सीजन भी घूम के यहां आ जाएगा. अगर सारे ऊपर के नीचे कर दिए तो इसका मिरर इमेज बना दोगे तुम, समझे? ये ग्लूकोज है डी ग्लूकोज. अगर एल ग्लूकोज बनाना है ना, एल ग्लूकोज, तो वो इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज है. क्वेश्चन आ चुका है इस बार, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये नहीं कि तुम इसको यहां से चेंज कर दो, तुम्हें ये नहीं, सारे चेंज करने पड़ेंगे तब जाके एल ग्लूकोज बनेगा. एल ग्लूकोज इज द एनेंशियोमर ऑफ डी ग्लूकोज, समझे? इसको चेंज करके एल ग्लूकोज नहीं बनेगा, सारे चेंज करने पड़ेंगे. एम आई क्लियर? तो एक पोजीशन तुम चेंज नहीं कर सकते. फाइन? और मिरर इमेज इसको इसको पलट दो, वो चलेगा. ऑक्सीजन की पोजीशन भी चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, वो चलेगा. लेकिन इसकी मिरर इमेज बना दी, वो एल ग्लूकोज बन जाएगा. समझ आई बात? बेटा एल लास्ट कार्बन देखोगे, पर ग्लूकोज में तो बाकी कार्बन देखोगे? देखा नहीं? ग्लू एक पोजीशन चेंज करके वो ग्लूकोज की जगह मैनोज बन गया, गैलेक्टोज बन गया. तो एल ग्लूकोज इज एनेंशियोमर ऑफ ग्लूकोज. इज इट क्लियर? यही सवाल था, उन्होंने यही करके दिया था, और कईयों ने मारा होगा यही. तो लास्ट वाला कार्बन चेंज कर दिया और क्या, एल का डी का, डी का एल हमें पता है, डी और एल क्या होता है, लोग डी एल और ये होता है. डी प्लस ग्लूकोज एंड एल माइनस ग्लूकोज. ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है प्लस, ठीक है? फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है माइनस, और दोनों कैपिटल डी है, ठीक है? तो ग्लूकोज का नाम होता है डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है? और फ्रक्टोज का नाम होता है डी माइनस फ्रक्टोज. और अगर कहीं पे रिंग स्ट्रक्चर बोलना हो तो बोल सकते हैं डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, यानी कि ये बताने के लिए भैया ये रिंग फॉर्म में है, ठीक है? डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस, मतलब कि ये 5 मेंबर रिंग फॉर्म में है. जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो मेंस लेवल की नहीं है, ये एडवांस लेवल की है. तो ऐसा सवाल आएगा तो एडवांस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो मेंस लेवल का है. दीज टू कंपाउंड्स दे डिफर इन द कॉन्फिगुरेशन एट द कार्बन
which is not chiral in the open chain structure but becomes chiral in the cyclic structure. इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहे हैं. ये जो कार्बन ओपन चेन में कायरल नहीं है और साइक्लिक में कायरल बन गया है, इस कार्बन को बोला जाता है एनोमरिक कार्बन. ठीक है, दिस इज एनोमरिक कार्बन. ठीक है, और हाँ, इसका एक और टर्म है, जो कार्बन ओपन चेन में कायरल नहीं होता लेकिन कायरल बन जाता है, इट इज कॉल्ड प्रो कायरल, मतलब इट कायरलिटी बना सकता है. ठीक है, तो ये कार्बन एनोमरिक है. आई होप आपको एनोमरिक कार्बन की डेफिनेशन समझ में आ गई. द कार्बन विच इज नॉन कायरल इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर बट becomes chiral but becomes chiral in the cyclic structure is termed anomeric carbon. Is termed anomeric carbon. ठीक है, द कंपाउंड विच डिफर, द कंपाउंड विच डिफर इन कॉन्फिगुरेशन, द कंपाउंड विच डिफर इन कॉन्फिगुरेशन एट ओनली एनोमरिक कार्बन, द कंपाउंड विच डिफर इन कॉन्फिगुरेशन एट ओनली एनोमरिक कार्बन are termed anomers. ठीक है, so these two are anomers. समझ आ गई बात? ये मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है, this one is called alpha glucose, this one is called beta glucose. क्या पूछना चाहता है कि मैंने इसको अल्फा और इसको बीटा क्यों कहा, कि अल्फा बीटा हमने इस तरीके से क्यों कहा? बेटा ग्लूकोज जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, सॉलिड फॉर्म में ये डोमिनेंट है, ऑलमोस्ट 100% ये है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इसका लैटिस स्ट्रांग है. तो जब सॉलिड स्टेट में देखा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन तो वो इसकी नजर आती है, लेकिन सॉल्यूशन में ये डोमिनेंट है. भाई साहब हो गया यार, देखो अब बची हैं कुल मिला के दो क्लासेस, नहीं दो नहीं, अगला हफ्ता पूरा लग जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट खत्म करना है और सरफेस केमिस्ट्री खत्म करना है. ठीक है, मत करना, पढ़ने तो आती नहीं हो. कम से कम दो चैप्टर तो बाकियों को करने दो. हाँ, बेइज्जती कर रहा हूं मैं, हो रही है? लगता तो नहीं है, इतने दिनों से करे जा रहा हूं, अब तक तो महसूस हुआ नहीं. आज हो गया, देख लेंगे अगली क्लास में. इज इट ओके? ठीक है, तो यहां पर ये दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग स्टेट में डिफरेंट है. ये सॉलिड स्टेट में ज्यादा है, सॉलिड स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल है. फाइन, और ये सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल है. क्लियर? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कंपाउंड और ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, चाहे हम सॉल्यूशन की बात करें चाहे हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, डोमिनेंटली ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. सॉल्यूशन के अंदर 99% ऑफ द ग्लूकोज इज इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड 1% इज इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब ये कि हेयर दिस कैन कन्वर्ट इनटू दिस
and this can convert back into this. This can convert into this, and this can convert back into this. लेकिन ये दोनों एक दूसरे में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकते. अब होता ये है, लेट अस से हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का सॉलिड स्ट्रक्चर है. अल्फा डी ग्लूकोज के सॉलिड स्ट्रक्चर को हमने डाल दिया पानी में. अब जैसे ही हम पानी में डालेंगे, पानी में घुलने के बाद इसमें से 1% इज गोइंग टू बिकम ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब ऐसा नहीं है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बनकर रुक गया, अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा. अब जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहां पर जब अटैक होगा तो वो कहीं पर भी हो सकता है. तो ये अल्फा भी बना सकता है, बीटा भी बना सकता है. अब बीटा ज्यादा स्टेबल है अल्फा से. ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो बने बेटा. इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट है. ये एनांशियोमर नहीं है एक दूसरे के. इनकी ऑप्टिकल रोटेशन भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट है. साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस है. लेकिन इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज ओनली प्लस 19 डिग्रीज और इसकी 111 डिग्रीज है. इसकी 111 सॉरी अल्फा की 111 है, बीटा की 19 डिग्रीज है. ये फर्क आ जाता है. अब इनके जब बनता है ना, तो जब ये बनना शुरू होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है. ओपन चेन स्ट्रक्चर वापस अल्फा और बीटा दोनों में कन्वर्ट होता है. अल्फा कम बनता है, बीटा ज्यादा बनता है. तो धीरे धीरे अल्फा बीटा में कन्वर्ट होना शुरू होता है, बीटा की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होना शुरू होता है और अल्फा और बीटा का एक इक्विलिब्रियम बन जाता है. हमने ऑप्टिकल रोटेशन से स्टार्ट किया था 111 से, ठीक है, और जैसे ही थोड़ी देर इसको रखोगे इसकी ऑप्टिकल रोटेशन अपने आप कम होते होते 57 डिग्री पे आके रुक जाएगी. 57 डिग्री पर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है अल्फा और बीटा का. And this alpha and beta are interchanging through the open chain structure. Directly नहीं, यहां से इसमें, इससे इसमें, यहां से इसमें, इससे इसमें. Is it clear? This attainment of an equilibrium optical rotation, the attainment of an equilibrium optical rotation. Due to the conversion of one anomer into other through an open chain structure. फिर से बोल रहा हूं, the attainment of an equilibrium optical rotation due to conversion of one anomer into the other through open chain structure. Is termed muta rotation. Attainment of an equilibrium optical rotation. Attainment of an equilibrium optical rotation. Due to interconversion, due to interconversion of anomers, due to interconversion of anomers through open chain structure, through open chain structure. Is termed muta rotation. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये म्यूटा रोटेशन ओपन चेन स्ट्रक्चर की ही प्रॉपर्टी है. अगर मैं किसी तरीके से इस रिंग को खुलने ना दूं, किसी भी तरीके से, तो म्यूटा रोटेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और इस रिंग के खुलने में ये रिवर्स रिएक्शन है.
मतलब कि यहाँ पर ये जो OH आ गया है उसका H वापस यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ से ये H यहाँ वापस मूव करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को मैं CH3OH के साथ रिएक्ट करवा दूं मिथेनॉल के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा एक बात का ख्याल रखना कि इन सारे OH में ये OH सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लियर। ये OH सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसके पड़ोस में ऑक्सीजन है, तो ये OH निकल सकता है, यहां पे कार्बोकेटाइन बन सकता है और तब यहां पे कार्बोकेटाइन के ऊपर ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से अटैक कर सकता है। इज इट ओके? तो यहां से ये OH हटके यहां पे CH3OH आ सकता है। अगर यहां पे ये CH3OH आ गया तो फिर ये कंपाउंड म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर एसिटल बना दिया जाए तो फिर ये म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। और यही तरीका है अल्फा और बीटा ग्लूकोज को सेपरेट करने का। आप इस पोजीशन के ऊपर एसिटल बना दीजिए, अब अल्फा और बीटा आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनकी क्रिस्टलाइजेशन की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, क्रिस्टलाइज कीजिए अलग हो जाएंगे दोनों, क्लियर। अगर हम इसका एसिटाइलेशन कर दें, अब देखो इसमें पांच OH ग्रुप्स हैं, चाहे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर लीजिए चाहे ओपन चेन स्ट्रक्चर लीजिए, इसमें पांच OH ग्रुप्स हैं। तो अगर आप इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का एसिटाइलेशन कर दें, करवाया था ना क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑफ द मोलर मास 180 गिव्स अ कंपाउंड ऑफ द मोलर मास 390 OH ग्रुप 5 ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर एसिटाइलेशन कर दो तो एसिटाइलेटेड ग्लूकोज भी म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, क्लियर। और एक मजेदार बात बताऊं, अगर यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये रिड्यूसिंग शुगर भी नहीं रहेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक भी ओपन चेन स्ट्रक्चर की है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, इज दैट क्लियर? तो ओसाजोन फॉर्मेशन की बात करो, चाहे तुम रिड्यूसिंग नेचर की बात करो, चाहे म्यूटा रोटेशन की बात करो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ओपन चेन स्ट्रक्चर की हैं। अगर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनने से रोक दिया जाए तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब एक और चीज, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज की रिंग है। अब मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बना रहा, सिर्फ ये बना रहा हूं, यहां पे ये OH है, ठीक है। इसको हमने फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट करवा दिया, फ्रक्टोज 5-membered रिंग में है, बी वेरी क्लियर, फ्रक्टोज 6-membered रिंग भी बना सकता है, 5-membered भी बना सकता है, फाइन। यहां पे हम 5-membered रिंग कंसिडर कर रहे हैं, ये निकल गया, ये एनोमरिक कार्बन है, यहां से हट गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई और हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसे आ गया, ठीक है, गॉन। अब ये हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, फाइन। अब ये जो बना है दिस विल बी कॉल्ड अ डाइसैकेराइड, क्योंकि इसमें से एक H2O निकल गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला आएगा C12H22O11, यानी कि C12H2O11
एक वाटर गया, ठीक है, फॉर्मूले में डाल के देख लिया, आंसर टू आ जाएगा, डायसैक्राइड है ये, ठीक है। ये डायसैक्राइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। क्लियर? ये डायसैक्राइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। एम आई क्लियर? सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला रिंग खुल नहीं सकता, और अगर ये वाला रिंग खुल नहीं सकता तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर हम माल्टोज की बात करें, इसमें, हाँ इसमें भी एक और फ्रक्टोज है। अगर हम माल्टोज की बात करें, वहां पे दो ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाते हैं, एक ग्लूकोज यूनिट का ये वाला एच यूज हो जाता है, दूसरे ग्लूकोज यूनिट का ये वाला OH यूज होता है, यानी कि दूसरे ग्लूकोज यूनिट का ये वाला OH फ्री है, तो डायसैक्राइड है। एक रिंग नहीं खुलती लेकिन दूसरी खुल जाती है, तो जो रिंग खुल जाएगी दैट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, हमारे पास दो ग्लूकोज यूनिट है, आपस में ज्वाइन हो गए। अब जो दो ग्लूकोज यूनिट आपस में ज्वाइन हुए हैं, उसके अंदर अगर हम इसको ओपन, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो उनमें से एक रिंग खुल सकती है, दूसरी नहीं, क्योंकि एक रिंग का तो ये वाला ग्लाइकोसिडिक, ये वाला जो है एनोमेरिक हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, दूसरे का CH2OH वाला कंज्यूम होगा, तो जिसका CH2OH वाला कंज्यूम हुआ उसका तो फ्री है ना, खुल तो सकता है वो, और जहां खुल गया वो रिड्यूसिंग शुगर बन गया। अब यहां पे हम ऐसा क्वांटिटी वाइज तो कर नहीं रहे हैं कि पूरा का पूरा कितना कंज्यूम हो रहा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कलर आ रहा या नहीं आ रहा, तो टेस्ट तो आ गया ना। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा एक बात और ध्यान रखो, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इनका बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सारे के सारे ईथर लिंकेजेस हैं, ईथर के ऊपर बेस का अटैक नहीं होता। ठीक है, इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो सकता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एम आई क्लियर? तो इसीलिए जब हम टॉलरेंस रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ सुक्रोज को बॉइल करेंगे, तो सुक्रोज बॉइल करने के बाद हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अगर हाइड्रोलाइज हो गया तो ऑफ कोर्स ये रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज सेपरेट होते ही रिड्यूसिंग शुगर है, पर ये सेपरेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? फाइन। अब एक बात देखो, ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज माइनस है, लेवलोज है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज है। अगर कहीं वहां पे जाओगे ना सॉल्यूशन, वहां हॉस्पिटल वगैरह में, तो हॉस्पिटल में जो बॉटल टंगी होती है उस पर ग्लूकोज कभी नहीं लिखा होता, उस पर डेक्स्ट्रोज लिखा होता। ठीक है, दैट्स डेक्स्ट्रोज। फ्रक्टोज इज लेवलोज, ये उसका दूसरा नाम है। क्लियर? फ्रक्टोज की ऑप्टिकल रोटेशन इज समथिंग लाइक -90। सुक्रोज के अंदर दिस इज ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज +111, फ्रक्टोज इज -90, ये डोमिनेट कर जाता है, सो इट बिकम्स प्लस ऑप्टिकल रोटेशन। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हमारे पास सुक्रोज का सॉल्यूशन है, सिंपल सा सुक्रोज सॉल्यूशन, आराम से ऐसे हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए या इसमें एंजाइम डाल दिया जाए, एंजाइम होता है जाइमेज, इन्वर्टेज, अगर वो डाल दिया जाए तो ये एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज कर देता है। जैसे ये हाइड्रोलाइज होगा, इट विल बिकम एन इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
ठीक है, ग्लूकोज बनते ही म्यूटा रोटेशन शो करेगा, म्यूटा रोटेशन शो करते ही इट इज गोइंग टू बिकम एन मिक्सचर, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का जो मिक्सचर है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 57 है, फ्रक्टोज की माइनस 90 है. अब फ्रक्टोज डोमिनेट कर जाएगा और अब जो ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है इट विल हैव अ नेगेटिव रोटेशन, इट इज गोइंग टू बिकम लीवो रोटेटरी. ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आया. इफ सुक्रोज इज ट्रीटेड विद एसिड और द एंजाइम जाइमेज इन्वर्टेज, दोनों में से कोई भी, देन इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज. क्लियर, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज प्लस 57, फ्रक्टोज इज माइनस 90, सो द ओवरऑल मिक्सचर बिकम्स लीवो रोटेटरी विच इनिशियली वॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई. द चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और द एंजाइम फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस into an equimolar mixture of glucose and fructose is termed inversion of sugar. So inversion of sugar is hydrolysis of sugar. Is it clear? ठीक है, the change in optical rotation of sucrose from dextro rotatory to levo rotatory. likh lo bhai, main dictate hi kar raha hu. the change in optical rotation of sucrose from dextro rotatory to levo rotatory. A change in optical rotation of sucrose from dextro rotatory to levo rotatory in presence of an acid or the enzyme zymase or invertase. Presence of enzyme zymase or invertase. Due to its hydrolysis, due to its hydrolysis into an equimolar mixture, due to its hydrolysis into an equimolar mixture of glucose and fructose is termed inversion of cane sugar. And the product is called invert sugar. Or sabse peculiar example invert sugar ka hai honey, shahad. Shahad invert sugar. मिथेनॉल ग्लूकोज कभी नहीं बनाता, वो क्रेब्स साइकिल है. ईस्ट है वो, वो ग्लूकोज का फर्दर वो है ऑक्सीडेशन, वो फर्मेंटेशन है. ये भी वो इससे हो रहा है, पहले हाइड्रोलाइसिस होगा बाद में फर्दर रिएक्शन होगा, बट वो यीस्ट है.
वहाँ पे ईस्ट लिखा होता है, ज़ाइमस इन्वर्टेज नहीं लिखा था, ज़ाइमस इन्वर्टेज ही था। चेक कर लेंगे, लेकिन ज़ाइमस इन्वर्टेज पहले ये करता है, बाद में आगे रिएक्शन होगा, बट वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है ईस्ट में। एरोबिक है, चेक कर।